सत्यमेव जयते में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, राकेश टिकैत किसान नेता थोड़ा सा कम लेते लगते हैं और एक दबंग छवि के नेता थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं। कभी आपने ठहर कर इस चीज को सोचा समझा कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलन चल रहा है और इसकी अगुवाई में जो एक सबसे बड़ा नेता बनकर उभरा है वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को इस आंदोलन ने एक बड़ा नेता तो बना दिया जो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती देते हैं, सीधे धमकी देते हैं। वक्त वक्त पर इनकी धमकियां सामने आती रहती हैं और धमकियों का लबलुआब यह है कि हिंसा होती। उनकी धमकी सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि क्रिया भी है, और यहां क्रिया है तो फिर प्रतिक्रिया भी है। दर्शकों, क्या कुछ नहीं देखा किसान आंदोलन की आड़ में। हम सभी ने 26 जनवरी देखी, हिंसा देखी, तिरंगे का अपमान देखा, क्या कुछ नहीं देखा। हम सभी ने लखीमपुर खीरी देखा, किसानों के हाथ में डंडे देखे, कत्ल करते किसान देखे, क्या कुछ नहीं देखा। दर्शकों, हमने क्या कुछ नहीं देखा कि किसान आंदोलन में तथाकथित किसानों ने एक व्यक्ति को उल्टा लटका दिया। तस्वीरें ऐसी कि कोई मीडिया चैनल भी उनको नहीं दिखा सका। इसलिए मैं कहता हूं कि राकेश टिकैत किसान नेता थोड़ा सा कम लगते हैं लेकिन दबंग छवि के नेता थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं। यह फर्क राकेश टिकैत की बोली भाषा किसानों वाली तो कभी कदार ही देखने को मिलती है। ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि वक्कल उतार दे, तंबू गाड़ दे, अस्थाई नहीं दरअसल स्थाई बना देंगे। गाजीपुर बॉर्डर का शहर तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से तंबू गाड़ गाड़ कर एक पूरा शहर जिसको नाम अगर बंबू दे दे तो भी सही है बना दिया गया। और अब राकेश टिकैत खुलेआम धमकी दे रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि 26 नवंबर तक सरकार कानूनों को वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे, नहीं तो क्या करेंगे। नहीं तो राकेश टिकैत साहब 27 नवंबर को गांव गांव से चप्पे चप्पे से किसानों को लाकर दिल्ली के 4 बॉर्डरों पर इकट्ठा कर देंगे, तंबुओं को मजबूत कर देंगे और पक्की किलेबंदी करते हैं। क्या है भाई ये पक्की किलेबंदी? मतलब दिल्ली का दम तोड़ना चाहते हैं राकेश टिकैत, आम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करना चाहते हैं राकेश टिकैत। आप इस चीज को समझते हैं कि राकेश टिकैत अगर ये बात कह रहे हैं कि 26 नवंबर तक कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून दो, वरना 27 नवंबर को दिल्ली के तमाम दरवाजों पर जो ताला जड़ा जाएगा उस पर राकेश टिकैत की मोहर लगेगी। बहुत गंभीर बात है। तो क्या राकेश टिकैत का इरादा अब यह है कि आम लोगों के जीवन पर किस तरीके से वो ताला जड़ने की कोशिश में है, किस तरीके से फिराक में है, और कहीं ना कहीं ये दंगे का षड्यंत्र भी हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में माहौल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। तो क्या उसी सूरत हाल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है? क्या राकेश टिकैत दिल्ली की गर्दन दबाने जा रहे हैं? क्या राकेश टिकैत दिल्ली का गला घोटने जा रहे हैं? क्या राकेश टिकैत दिल्ली के तमाम दरवाजों पर अपना ताला जड़ने जा रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता को सांस लेना भी अब मुश्किल होने वाला है? क्या दिल्ली की जनता का गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, इन सभी जगहों से संपर्क टूटने वाला है? क्या दिल्ली की जनता का व्यवसाय ठप होने वाला है? क्या दिल्ली की जनता को अब राकेश टिकैत के सहारे जीना होगा, उनके अधीन जीना होगा? क्योंकि दिल्ली के तमाम दरवाजों पर तो राकेश टिकैत ने कह दिया है कि यहां पर भारतीय किसान यूनियन का ताला जड़ दिया जाएगा, किलेबंदी होगी। अरे भाई, क्यों किलेबंदी होगी? टैक्स हम दें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वरूपों में, और वहां पर झोपड़ी बनाएंगे, वहां पर किला फतेह करेंगे राकेश टिकैत। कौन होते हैं राकेश टिकैत, इस सवाल के साथ इस डिबेट को खोलने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हैं उससे आपका तारुफ कराऊंगा एक बार। तो हमारे साथ जुड़े हुए केसी जैन साहब हैं, नेता हैं, बीजेपी से हैं। इसके साथ ही अनिल मलिक साहब हैं, नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं। इसके साथ ही केपी सिंह ठेनुआ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यमेव जयते में। मैं कार्यक्रम को खोलूंगा, जो हमारी बहस है उसको खोलूंगा अनिल मलिक के साथ। अनिल मलिक साहब, मुझको बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी तोड़ मोड़ के, बिना जलेबी बनाए एक बात समझा दीजिए कि राकेश टिकैत साहब ने कहा कि 27 नवंबर को दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर
किले बना दिए जाएंगे, किले बंदी होगी वो भी पक्की वाली, तंबुओं को और मजबूत कर दिया जाएगा, मतलब दिल्ली से आने जाने वाले रास्ते आप बंद कर देंगे। दिल्ली की जनता को आप जीते जी मारना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी, क्या षड्यंत्र है आपका? पहले तो दफे मुझे आपको ये लग रहा कि आप एंकर नहीं, एक बीजेपी के प्रवक्ता। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ मत खोलिए, अपने जवाब के साथ खोलिए। देखिए दरअसल समस्या क्या है, चलिए ठीक है आपने खोली दिया तो फिर मैं बोली देता हूँ, आपने जिसके साथ खोला तो मैं बोली देता हूँ। ये कोई सड़क और नुक्कड़ किनारे चलने वाली बहस नहीं है जहां पर तूने किया वाली बात हो। जवाब दीजिए, ये क्या है कि कठिन सवाल लग गया तो तुरंत गए, तिलमिला गए, घबरा गए, भड़क गए? तरीका है लोकतंत्र में कौन सा तरीका है आंदोलन का, जो आप बताइए। यही किसान यूनियन के मंच होते थे जहां माननीय राजनाथ सिंह आते थे, जंतर मंतर पे आते थे। दिल्ली के बॉर्डर किसने सील किए, कैसे सील किए, वो आप लोगों की हिम्मत नहीं है, आप लोग दिखा दें। किसान दिल्ली में जाना चाहता है जहां पे आंदोलन होते हैं, वोट क्लब पे जाना चाहता है, जंतर मंतर पे जाना चाहता है, रामलीला मैदान पे जाना चाहता है। जाने को आप पेरिस जाओ, नेपाल जाओ, भूटान जाओ, हरियाणा जाओ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल बस इतना है कि आपने कहा कि 27 नवंबर को तमाम बॉर्डर्स बंद कर देंगे, आप हिंदुस्तान के किसान का भूटान में आप समाधान देखते हैं? आप दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को बंद कर देंगे, इस पर जवाब पूछ रहा हूं आपसे। बॉर्डर आपने देखे नहीं, जेसीबी किसकी चली, किन बॉर्डरों पर चली, क्या कितनी चौड़ी दीवारें थी, कितना बड़ा वो था, बैरियर लगाए हुए थे, वे किसने लगाए थे, किसान ने लगाए थे वे बैरियर, गड्ढे खोदे गए थे, किसने खोदे थे, किसान ने खोदे थे वे गड्ढे। आप समझ नहीं पा रहे, फिर आपको समझाता हूँ। राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि 26 नवंबर तक अगर बात नहीं मानती सरकार तो 27 नवंबर को दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर पक्की किलेबंदी होगी, तंबुओं को और मजबूत कर दिया जाएगा। बॉर्डर्स की बात की है ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पक्की किलेबंदी अगर आप बॉर्डर पर कर देंगे तो वहां के लोगों का क्या होगा, स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या होगा? किसान के आंदोलन के बीच में आम जनता आ रही जा रही, गाजीपुर बॉर्डर देखिए आप, सिंधु बॉर्डर देखिए आप, टीकरी बॉर्डर देखिए, किसान को आप दिल्ली में क्यों नहीं जाने देखे? किसान दिल्ली 26 जनवरी में गए तो थे आप दिल्ली में, 26 जनवरी में दिल्ली गए तो थे, 26 जनवरी में गए थे, वे लोग थे वहां, आ गए वो लोग कह रहे थे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उन्हें चाय पिलाते हैं, ठीक है, सिंधु बॉर्डर पे नहीं, चाय तो प्रधानमंत्री के साथ राकेश टिकैत साहब ने भी पी है, वे लोग आगे थे, वहां की पोल खुली है, आईटीओ की पोल खुली है, नेकरधारी वहां पुलिस की वर्दी में थे। मैं क्या कह रहा हूँ, राकेश टिकैत साहब भी प्रधानमंत्री के साथ चाय पी चुके हैं, तो क्या राकेश टिकैत की भी पोल खुल गई है? नहीं, कहां पी जाए, वार्ता करने के लिए जाते हैं, किसान के समस्या के लिए जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में भाजपा का हमेशा एक है, वो रहा है कि किसी भी आंदोलन को उग्र कर दो, लेकिन किसान लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। लोकतांत्रिक कैसे हो जाता है, मेरे घर के बाहर अगर आप चारपाई डालकर बैठ जाएंगे, दरवाजा मैं खोल नहीं पाऊंगा, तो ये तो मेरे अधिकारों का हनन हो गया ना, आप मेरे अधिकारों का हनन। किसान के लिए किसान का स्वागत करिए वोट क्लब पे, किसान का स्वागत करिए जंतर मंतर पे, किसान का स्वागत करिए रामलीला मैदान पे। तो किसान तो दिल्ली में जाना चाहता है, बॉर्डरों पे जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पे किसान को रोक रखा है। और रही बात तंबू की, जब सर्दी किसान ने देखी, गर्मी किसान ने देखी, किसान ने बरसात देखी, क्या अपने छत पे अपने सिर पे कोई छत भी ना करे किसान? ठीक है, चलिए केपी सिंह, ऐसा चलने वाला लोकतंत्र में नहीं है। किसान वही है जिसे अन्नदाता कहा गया था 2014 में भी और 2017 से पहले भी, और किसान अपने हकों के लिए आ रहा। आज अगर बॉर्डर बंद है, के लिए आया कि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आया इसलिए चला आया, सम्मानजनक तरीके से बात करिए और किसान को सम्मानजनक तरीके से भेजिए। माननीय राज्यपाल ने और सांसदों ने भी भाजपा के कहा है किसान की बात मान लीजिए, आप उद्योगपतियों सम्मान दरअसल कैसे मिलेगा ये बताइए, कि अगर आपके आंदोलन में आपके मंच के सामने एक व्यक्ति को हाथ पैर काट के उल्टा लटकाया जाएगा, ऐसे सम्मान मिलेगा? कृषि मंत्री उन्हें सोल उड़ाते हैं जब सम्मान मिलेगा, चाय पिलवाते हैं और उससे कटवाते हैं, वो सम्मान मिलेगा? निहंगों ने गिरफ्तार हुए उसमें, निहंगों का स्वागत तो राकेश टिकैत साहब ने ही किया था, राकेश टिकैत साहब ने भी स्वागत किया था निहंगों का, उन्हीं लोगों ने हत्या की लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई वहां पर, उस आदमी की जिसने हत्या की है उस आदमी का सम्मान माननीय कृषि मंत्री ने किया। अगर लखीमपुर की बात करोगे, इस देश का जब सम्मान किया था तो आपके बीच में क्या कर रहे थे वो? सम्मान किया था तो फिर आपके बीच में क्या कर रहे थे? अरे प्रशासन क्या कर रहा था, अगर वो अपराधी है अपराधी को आप कहीं भी पलथी मारकर बैठ जाइए
और वहां पर अगर कुछ भी होगा तो प्रशासन ने किया, सरकार ने किया, अगर नहीं संभल रहा आंदोलन तो क्यों कर रहे हैं? अरे आंदोलन संभल रहा है, शांति कहां संभल रहा है आंदोलन? इतनी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, आम किसान बदनाम हो रहा है इसमें। हरियाणा का जाट आंदोलन रहा, वो हिंसक करने का काम इन लोगों ने किया। गुजरात का पटेल आंदोलन रहा, वो हिंसक करने का काम किया। लेकिन आज किसान के आंदोलन को हर तरह से, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी अच्छा भिंडरेवाला की तस्वीर लगी, भिंडरेवाला की तस्वीर लगी टी शर्ट पहनेंगे तो क्या राम भक्त कहलाएंगे? भिंडरेवाला की तस्वीर लगी टी शर्ट पहनेंगे तो खालिस्तानी ही कहलाएंगे? इसमें सवाल या जवाब की कोई टिप्पणी की जरूरत ही नहीं। अरे इस देश की पुलिस भाजपा का शासन है, देश की पुलिस निकम्मी नहीं है, मजबूत है, उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दीजिए, गिरफ्तार करिए। किसान नहीं किसी अपराधी को शरण देता, सब जो लोग आंदोलन में है उनकी आइडेंटिटी करिए, LIU वहां पे वे बीच में है। मतलब आंदोलन भी अब सरकार ही संभाले, आंदोलन भी सरकार संभाले, व्यवस्था भी सरकार संभाले। अरे सरकार एक काम ना करे, आपकी पेंशन ना बांध दे, आपकी तनख्वाह भी बांध दे, हर महीना तनख्वाह भी बैठे बैठे देती रहे। अगर दिल्ली में कोई उग्रवादी घुसेगा, उसे पकड़ने का काम पुलिस का होगा, उसकी जांच कराने का काम सरकार का होगा, उसे पकड़िए, उसे करिए। या सरकार अगर मेरे मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति बीते 4 दिनों से घूम रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पुलिस को फोन करके बताऊं कि संदिग्ध व्यक्ति 4 दिनों से घूम रहा है। आपके आंदोलन के बीच में पलथी मारकर जो शख्स बैठते हैं वही कल हत्या करते हैं, वही कुछ करते हैं, वही कुछ करते हैं। आप कहते हैं सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे, राज्य मंत्री का बेटा क्या माला पहना? वहां मत पहुंची, अभी यही रही, इसी मुद्दे पर रही, उस मुद्दे पर काफी चर्चा बहस हो गई, इधर ही रही है। 27 तारीख को किलेबंदी करने जा रहे हैं, सीधे बोलिए दिल्ली का गला घोटने जा रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कहता है? घबराकर इधर उधर मत जाइए, इधर ही रहिए। 27 नवंबर को किलेबंदी करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आम आदमी का गला घोट देंगे, दिल्ली का गला घोट देंगे, सांस नहीं लेने देंगे दिल्ली को आप? सत्यपाल मलिक जी की मान लीजिए आप बात, आप क्या करने जा रहे हैं 27 तारीख को? दिल्ली का गला घोटने जा रहे हैं आप? दिल्ली के लोगों को जीने नहीं देंगे आप? करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, केपी सिंह ठेनुआ हमारे साथ है, ठीक है। आपके पुराने साथी केपी सिंह ठेनुआ भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से आते हैं। केपी सिंह ठेनुआ साहब, ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन चल रहा है, आप भी किसान हैं, आप भी किसान नेता हैं, आप भी किसानों की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ऐसे में क्या है ये जो धमकी वाला जो मैसेज है राकेश टिकैत साहब का, इसको आप किस नजर में आंक रहे हैं? देखिए यहाँ पर 3 चीजों पर हम बोल सकते हैं। पहला, सरकार एक विपक्ष जो मौका तलाश रहा है आंदोलन के सारे, और एक आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेता, और तीनों किसानों के अधिकार के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर कमी, कहीं ना कहीं कमियां मैं बिंदुवार बताता हूं आपको। जो आंदोलन का हमें अधिकार दिया गया संवैधानिक अधिकार, उसमें किसी दूसरे के अधिकार के हनन का अधिकार हमें है नहीं। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए थे। सुनिएगा अनिल बलिक साहब, आपके पुराने साथी ही आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी, बोलिए केपी। और मेरे लिए सभी सम्माननीय है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किया था और हिंसा फैली तो उस आंदोलन को वापस किया गया। सन 2018 की किसान क्रांति यात्रा में जब किसान पर लाठी चार्ज हुआ, उसमें मैंने काफी एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पर भूमिका भी निभाई थी, और मैं राष्ट्रीय संयोजक था उस समय बाक्यू टिकैत का। तो माननीय राकेश टिकैत जी कहते हैं कि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी इस तरीके से हिंसा की तरफ जाने वाले आंदोलन वापस लिए थे। तो रात को 12 बजे वापस हो गए, मैं हम सोते रह गए वहां नोएडा में। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा किसी का आलोचना आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों को अपने राजनीतिक आकांक्षाओं से, राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित बातों के लिए किसान के इस्तेमाल मत करो। रही विपक्ष की बात, विपक्ष इतना ज्यादा हितैषी होता तो ये सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सरकार की मैं बात करूं, सरकार को ये आंदोलन सही से हैंडल करना नहीं आया। सरकार को वार्ता के लिए लेट आई, और समय पर अगर वार्ता होती तो इन कुछ अराजक तत्वों को इस आंदोलन में घुसने का मौका नहीं मिलता।
मेरा तीनों से विनम्र निवेदन यही है, भारतीय किसान यूनियन भानू किसान आयोग के गठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है जिसका खाकर हम ये भाषणबाजी करते हैं उस पर राजनीति और अपने स्वहितों को न रखें। ठीक है केसी जेंस भी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी से। केसी जेंस, आप ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब तो धमकी भी दे दी गई है कि 26 नवंबर तक ये बातें मान लो नहीं तो 27 नवंबर को दिल्ली के आसपास खुद के किले लगा दिए जाएंगे, तो ऐसे में बीजेपी सरकार इनकी मांगे जो है उनको मानने जा रही है, क्या कुछ करने जा रही है? वरना ऐसे तो फिर 27 नवंबर को दिल्ली के तमाम दरवाजों को ये लोग सील कर देंगे। क्या कुछ सोच है बीजेपी की? देखिए, इसके पहले चर्चा की कि उन्होंने खास करके नेताओं के दबाव बनाने दिल्ली को किया और 26 जनवरी को रैली निकाली और रैली की परमिशन लेकर के वहां पास जाना, संख्या में लोग पहुंचते हैं, दिखाई दी। चलिए ठीक है, वॉइस में कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, इसको चेक करवाएंगे। जरा पीसा इसको चेक करिएगा कि किस तरीके से समस्या कहां से आ रही है। आप अपनी तरफ से भी जरा देखिएगा केसी जैन साहब, कुछ वॉइस में कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है। हाँ, तो कुछ वॉइस में कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, पीसीआर से यहां से हम चेक करवाते हैं, आप वहां से थोड़ा अपना देखिएगा कि समस्या दरअसल है कहां। तो अनिल मलिक साहब, आपने देखा आपके पुराने साथी केपी सिंह ठेनुआ क्या कह रहे थे? आंदोलन कर रहे हैं वे लोग जो है पीछे, हाथरस में भी इन्होंने हिमालय में सभा की थी, किसान की मांग को रखा था अपने तरीके से। अब लखनऊ में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन भानु के ठाकुर भानु प्रताप जी, लखनऊ में भी अपनी महापंचायत करके जो है किसानों की समस्याओं को रख रहे। लेकिन भानु प्रताप जी जिस समस्याओं को रख रहे हैं सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे, आंदोलन पे आरोप कर रहे लगा रहे, तो कहीं कहीं उनकी कोई सी ना कोई सी किसान आयोग की मांग को मान ले सरकार, कहीं 6,000 रुपए पेंशन की बात को मान लें, बिजली के बिल को घटा दें जो 4 गुना वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई, सरकार तो किसी की बात तो माने। अरे हम लोग अगर हिंसक आंदोलन करते हैं, ठाकुर भानु प्रताप जी अच्छा आंदोलन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उनके आंदोलन में आते हैं, लेकिन कोई घोषणा करके नहीं जाते। सरकार की नीति है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से गुजरात का पटेल आंदोलन और हरियाणा का जाट आंदोलन तोड़ने का काम किया, इसलिए हमारे बीच में हमें तोड़ने का काम सरकार कर रही, मान किसी की नहीं रही। अरे मान तो लो आप किसी ने किसी के। अनिल मलिक साहब आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसके अंदर रहकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको करना चाहिए, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ठाकुर भानु प्रताप जी को भी चिल्ला बॉर्डर पे रोक दिया गया था, उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पे बैठ के ही आंदोलन किया था। किसी ने किसी कारण से, क्या कारण हुई, क्या परिस्थिति हुई, क्योंकि वे एक सम्मानित एक संगठन के अध्यक्ष है। केसी जैन साहब आपका जवाब देना चाहते हैं, केसी जैन साहब का परिवार पे नहीं जाना चाहता मैं उनके। ठीक है केसी जैन साहब, ये हाँ ठीक है, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल वही है अगर आपको याद हो तो। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ देखिए, बात ये है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है किसी प्रकार की आपत्ति, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जब खास करके बैनर झंडे पता चलता है कि केसी जैन साहब आपकी ईपी में कुछ समस्या आ रही है, अपना जो ईयरफोन का जो ईयर पीस है इसको हटा दीजिए, आप सीधे बात करिए। नहीं, आप अपना ईपी हटा दीजिए, ईपी हटा दीजिए, ये जो यंत्र लगा है सफेद वाला इस यंत्र को हटा दीजिए, सीधे बात करिए। हाँ अब आइए, शानदार आवाज। हाँ शानदार। देखिए दिक्कत किसानों से नहीं, इसके पहले ही बहुत सारे किसान आंदोलन हुए बिलों को लेकर के है। तो बिल अभी लागू नहीं है के साथ में 11 पहले किसानों ने यही कहा। चलिए, आवाज की जो समस्या है वो दरअसल अभी भी आ रही है, इसको देखिएगा, इसको चेक करवाते हैं अपनी टीम से।
बाकी अनिल मलिक साहब, अभी केसी जैन साहब दरअसल ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आंदोलन जिस चीज के लिए हो रहा है, जिस कानूनों को वापस कहने की बात आप कह रहे हैं, उस पर दरअसल कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है। समस्या तो जो है कानून पर तो स्टे लगा, लेकिन एमएसपी पे माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है मोदी जी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक कमेटी बनाई गई थी, उस पे मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, मोदी जी ने उस पे रिपोर्ट भेजी थी कि एमएसपी को कानूनी अमला पहना दिया जाए। किसान को जब तक है एमआरपी पे से ज्यादा नहीं बेच सकता तो किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं खरीदी जा सकती। आज माननीय मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, आज क्या दर्द हो गया जो एमएसपी पे गारंटी नहीं बना सकते? गारंटी दे दीजिए, कानून को क्यों नहीं मतलब अब मसलन आपको, अब मतलब आपको तीन कृषि कानूनों से तीन कृषि कानूनों पर स्टे लग गया, तीन कृषि कानूनों पर कृषि कानून का मामला ये है, आपको पेट में दर्द है, आपको सल्फास की गोली दे दी जा और आपको इससे तो हम मर जाएंगे सल्फास की गोली। देखिए अभी ये थोड़ा सा क्लियर करिए, आपने जब मैंने आपसे पूछा नहीं, थोड़ा सा अनिल मलिक साहब रिजल्ट देखिए, आप इसका पहले रिजल्ट देखिए। अरे जब किसान को पता है इन तीन कृषि कानून से जो है किसान मरेगा। अच्छा आपके आपको संतुष्टि कब मिलेगी? आप संतुष्ट कैसे होंगे जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार को आप गिराना चाहते हैं, तब आपको संतुष्टि मिलेगी? इसी किसान ने जो बीजेपी की सरकार बनाई थी 2013 का, यही वो इलाका है जहां पे भाजपा ने दंगे भड़काए थे। तो फिर राकेश टिकैत कैसे चुनाव हार गए थे? जब आप लोग सरकार बनाते हैं तो राकेश टिकैत खुद ही चुनाव हार गए थे। अरे राकेश टिकैत देखना, उसी वीडियो देखिए आप, राकेश टिकैत भी उसी में खड़े होकर समर्थन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। अपना यहाँ सांसद बना, मतलब आप बीजेपी के ही बीजेपी की एक, एक सा समर्थन में रहे हैं आप, पहले बीजेपी के साथ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन। हमने वोट दिया है भाजपा को वोट दिया है क्योंकि उनके वादे थे कि 14 दिन में गन्ना का भुगतान आएगा, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे बेरोजगारों को। तो मत दीजिएगा इस बार वोट, मत दीजिएगा इस बार वोट। आप बताइए, लेकिन आम जनता को काहे परेशान कर रहे हैं? मत दीजिएगा वोट, 2 करोड़ रोजगार मिले, 15 लाख आए, आप मत दीजिए वोट, आप वोट की चोट करिए, लेकिन आम जनता को क्यों उसके बीच में त्राहिमाम मचाने पर आप लगे हुए हैं? ये सवाल। फसल दोगुने रेट पे खरीदा, किसान की खर्चे 35% की वृद्धि हुई खर्चों में। आज उड़द का रेट 6,500 रुपए एमएसपी है, लेकिन ललितपुर में 3,000 में बेचने पे किसान विवश है। किसान को आठ दिन 4 से 8 दिन में किसान को देखिए, एक बात को समझिए अनिल मलिक साहब, वर्क नहीं मिल रहा, ठीक है, तो किसान क्या करेगा? किसान तो बहुत संयमित बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, सीधा साधा व्यक्ति, किसानी आती है उसे, हल चलाना आता है, खेती बाड़ी करना आता है। ये किसान कौन से किसान है जो दबंग छवि के हैं, वक्कल उतार देंगे, किलेबंदी कर देंगे, सुधर जाओ वरना ये कर देंगे, सुधर जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है, ये कौन से किसान है? आखिरी दफा कब हल चलाया? जो लोगों किसान का बना है फटी धोती कंधे पे हाल और एक कमजोर असहाय आदमी, क्या सरकार वही रखना चाहती है? किसान के बच्चे आज शिक्षित हो गए, विदेशों तक है, और किसान को आज अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए लड़ रहा है, अधिकार के लिए लड़ेगा। लोकतंत्र में अगर आंदोलन से नहीं मानेगा कोई, वोट की चोट से मानेगा, और मानना पड़ेगा सरकारों को। सरकार यहाँ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, ले लो लगवा देना ये राजशाही तानाशाही। ठीक है चलिए, केसी जैन साहब, केसी जैन साहब की शायद समस्या का निवारण टीम की तरफ से कर देगा। केसी जैन साहब आप जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिए। जी जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है, आप बुलंद आवाज है, रखिए। जी जी, देखिए बात की सरकार की भाषा लगातार, चाहे टावर की बात नहीं हो, टावर तोड़ने की बात नहीं, किसी प्रकार से टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा करके कायम करने की बात नहीं। देखिए हम लोग अधिवक्ता है, काली पट्टी आंदोलन करते और पुलिस नहीं जा रहे थे,
जैन साहब मुख्यमंत्री हरियाणा लठे तैयार करते हैं, गृह मंत्री ठीक है। एक मिनट आपका, एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गया, एक सेकंड रुकेगा आप, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गया, उनसे आपका, आप सभी का उनसे तारुफ कराता हूँ। स्वामीनाथ जायसवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामीनाथ जी। ठीक है, नहीं चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। केसी जैन साहब थोड़ा सा रुकेगा, स्वामीनाथ जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस से, इनसे सवाल ले लेते हैं। स्वामीनाथ जी, दरअसल आज की जो बहस है वो इस मुद्दे पर चल रही है कि राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन को लीड कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर में, उन्होंने आज एक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर तक सरकार मान जाए, नहीं तो 27 नवंबर को दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किलेबंदी कर देंगे, तंबुओं को मजबूत कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसको लेकर क्या है रुख कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का रुख तो हमेशा किसान हित के लिए है, किसान रक्षा के लिए है। और किसानों की अगर तीन काले कानून चाहे उनको हटा देने से उनको व्यवस्था अगर सही हो जाता है, देश का सुचारू रूप से चलने लगता है, तो ये भाषा का प्रयोग तो किसान आक्रोशित होगा। क्यों आक्रोशित होगा? क्यों नहीं तो इस प्रकार आवाम को दिक्कत होगा, क्योंकि किसान को आज उस कटघरे, किसान को उस कटघरे में आकर खड़ा करने का कौन व्यापारी आंदोलन कर रहा है? किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो किसान को आप मानकर 11 बार जब विज्ञान भवन में मीटिंग किए उसके बाद बोले हमारे एक फोन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं, एक फोन के दूरी पर किसान है, उसी किसान को आतंकवादी बताने लगते हैं। मतलब स्वामीनाथ जी, आप इस बात से सहमत है कि ठीक है 27 नवंबर को अगर नहीं मानती तो 27 नवंबर को? नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात से 27 नवंबर क्या, सरकार इतना दिन से सोई है, एक साल के करीब होने जा रहा है, वो भी अपना खेती गृहस्थी छोड़ के जिस तरह से बॉर्डर पर जमे रहे किसान और 700 से ऊपर किसानों का आहुति देने के बाद भी अगर सरकार नहीं नींद से जागती है और सरकार को कोई दर्द पीड़ा किसानों का नहीं होता है तो उस पीड़ा को तो कम से कम एक आदमी नहीं 700 करीबन आदमी अपना आहुति दे दिया। इस आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन किसान का कभी नहीं हुआ था, और भाजपा सरकार मोदी सरकार में एक कौन सा हट तान के बैठे हैं कि जो किसानों के तीन काले कानून हटा देते उसमें कौन सा इनका नुकसान हो रहा है? अगर पूंजीपतियों के सहयोग के लिए एक कानून बनाया गया है तो कौन सा समझौता हो गया? किसान अगर चाहता है कि हमारा ये, हमको ये कानून नहीं चाहिए, तब देश की रक्षा के लिए 80% आपको लगता है कि देश के जितने भी किसान हैं वो सभी परेशान हैं, वो सभी चाहते हैं कि कानूनों को वापस ले, एक एक किसान, या फिर आप भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें? नहीं, आप पूरे देश में जाकर देखिए आंदोलन, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है इसका समर्थन कौन सा प्रदेश में नहीं है? तो काफी प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आप सत्ता में, आप भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इसका कुछ हल निकाल सकते हैं। हम लोग कर ही रहे, देखिए हमारा छत्तीसगढ़ में है तो हम किसान न्याय योजना चलाते हैं, गोधन न्याय योजना चलाते हैं, राजीव गांधी ने किसान न्याय योजना के तहत हम किसानों का जो वादा किए थे छत्तीसगढ़ में वो लोन माफ करते जा रहे हैं, और उसके बाद बिजली बिल उनका माफ करना, ऋण माफ करना, आप उठा के देख लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के नक्शे को, हमारे भूपेश बघेल सरकार जिस तरह से वादा किया वो पूरा 2500 रुपया एमएसपी पर धान खरीदी चल रही है, कोई प्रदेश में नहीं है 2500 रुपया में छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, और उत्तर प्रदेश में चाहे किसी प्रदेश में एमएसपी पर ही नहीं खरीदी जा रही है, उससे ऊपर क्या देंगे? ठीक है, केपी सिंह ठेनुआ के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल मलिक साहब से एक चीज पूछ लेता हूं। अनिल मलिक साहब, स्वामीनाथ जी थे, कांग्रेस से हैं, ये बता रहे थे कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां आपको बकायदा एमएसपी बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, तो ऐसा है? किसानों ने आंदोलन किया है, चाहे देश में जनता दल की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो। हाँ, एक बात जरूर है, अगर किसी ने अच्छा किया है तो किसान ने कहा है, अगर जिस बिल को लाने का काम जो है भूमि अधिग्रहण वाले बिल का काम कांग्रेस ने किया था, जो भाजपा अब हटाने जा रही, अगर कुछ काम किए हैं किसी ने किए हैं, अच्छे किए हैं कांग्रेस की सरकार में, तो 1988 की बात है, देश के प्रधानमंत्री, अगर कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही थी तो फिर आपने मोदी को वोट क्यों दिया? आंदोलन हुए हैं, वे आंदोलन हुए हैं जिसमें राजनाथ सिंह भी आए हैं, किसानों को अन्नदाता कहा है, वे ही राजनाथ सिंह आज भी है, आज किसानों के बीच में आना नहीं चाहते। कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री की
माता जी की पुण्यतिथि थी, वो वोट क्लब से हटाई थी। आज आज की सरकार को क्या दर्द है, क्या दिक्कत है? किसान के लिए खोल दीजिए वोट क्लब के रास्ते, खोल दीजिए संसद भवन के रास्ते, नहीं तो फिर आप वहां पर हिंसा कर देंगे। हिंसा का डर है, 26 जनवरी को रास्ते खोले गए थे लेकिन हिंसा हो गई थी। अनिल साहब इस चीज को समझिए, किसान इस देश का अन्नदाता है। नहीं नहीं, आपने कहा दिल्ली के दरवाजे खोल दिए, दिल्ली के दरवाजे खोले गए थे और 26 जनवरी को हिंसा पूरे देश ने देखी। रात को 2 बजे जाते हैं, दिल्ली के दरवाजे 26 जनवरी को खोले गए थे और पूरे देश में जो हिंसा हुई वो सभी ने देखी। इसलिए शायद डर है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगियों को भी तो खतरे में डाल सकते। लोगों की ताकत नहीं है, कलम पे और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, आप लोग वो नहीं दिखा सकते जो बाद में खुलासा हुआ है, या वे लोग नहीं दिखा सकते जिन्हें माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी बराबर में बैठ कर चाय पिलवाता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ठीक है, चलिए वो बीजेपी के लोग थे, आपने कहा ठीक है, मान लिया। हिम्मत नहीं है जो लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री सभा में कहता है इलाज कर दिया जाएगा, आप लोगों की वो दिखाने की हिम्मत नहीं है। आप लोग वो दिखाइए जो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है लठ तैयार करिए मैं बैठा हूँ, आप दिखाइए वो सब, आप दिखाइए किसान का धान आज 1100 रुपए में बिक रहा है, आप वो दिखाइए, किसान को क्यों खाद नहीं मिल रहा वो दिखाइए, सब दिखाया, सब दिखाया। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए अनिल मलिक साहब, सब कुछ दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया गया। आज का मुद्दा दरअसल अलग है, आज का मुद्दा ये है कि धमकी और दिल्ली के दरवाजों पर जो चोक करने की जो धमकी दी गई उसको लेकर बहस हो रही है, बाकी सब कुछ दिखाया जाता है, ऐसा नहीं अनिल मलिक। जब भीड़ आएगी किसान पूरे दल बल के साथ आएगा, उसके लिए लाल किला मैदान खोलिए, वोट क्लब खोलिए, वो बॉर्डर पे क्यों बैठेगा? ये मेरी गारंटी है, लिखित में मैं गारंटी देता हूँ, वोट क्लब खोलिए आप उनके लिए, वोट क्लब पे किसान जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं बैठेगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, रामलीला मैदान, चलिए ठीक है। केपी सिंह, केपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, चलिए ठीक है, केपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहले बहुत ही अच्छी डिबेट चल रही है और 1-2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा जी। मेरा मानना यह है कि जब सत्ता और विपक्ष से जब जनता और किसान परेशान हुए, तब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जैसे राजनीतिक किसान नेताओं ने इस देश के किसान को जो अनाथ था, चौधरी चरण सिंह जी ने अपना एक ऐसा माध्यम अपनाया जिससे कि प्रो सत्ता या प्रो विपक्ष किसान नेता न रहे, इसीलिए किसान यूनियन की स्थापना हुई। अब हम इस कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पहले कांग्रेस ने 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट रद्दी टोकरी में पड़ी रही कि अलमीरा में पता नहीं चला। उसके बाद कांग्रेस ने यही एक्ट जिनका आज विरोध हो रहा है, यही एक्ट लाने के लिए उस समय प्रयास किया। फिर उसके बाद अब सत्ता की बात करें, सत्ता ने वोट लेने के लिए स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया अपने घोषणा पत्र में, बाद में एफिडेविट दे दिया कि हम नहीं लागू करेंगे। अभी अगर किसान हर आधे घंटे पे आत्महत्या कर रहा है, पिछले 17 सालों में 45 लाख करोड़ का एमएसपी न मिलने से घाटा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की कमी है, कि बसपा की कमी है, कि सपा कांग्रेस जो सत्ता में रहा है उसने किसान के साथ अन्याय किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, आप रोड जाम करने, रेल जाम करने, आम जनता को परेशान करने की बजाय लाल किले जैसी घटना ने हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसार किया, उसमें हम ये कह के नहीं बच सकते कि ये सरकार की सह पे हुआ कि हमारी सह पे हुआ। अब हमको यह दूसरे नागरिकों के अधिकार का हनन करके एक जगह शांति प्रिय तरीके से बैठना चाहिए, कैसे बिलों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि जनता को राजनीतिक मंच से भड़काने की, देखो न, क्योंकि राजनीतिक मंच से कभी किसान का भला नहीं हुआ, हटेगा उसकी से ड्राइवर। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो लेकिन किसानों का कभी भला नहीं हुआ। वहीं अनिल मलिक साहब का कहना था कि बीजेपी सरकार में जो दिन है वो ज्यादा खराब है, कांग्रेस में इतने हालात खराब नहीं थे, हालांकि खराब तब भी थे। ठीक है, ठीक कहा ना मैंने जी, बातचीत होती थी,
आमने सामने बैठ के बातचीत होती थी। ठीक है, अगर 10 बात को रखा लगभग है, 5-6 बात को मान लिया जाता था। ठीक है, अब ऐसे समय आ गया है। ठीक है, केसी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। केसी जैन साहब, ये बताइए कि अरुण वलिक साहब कह रहे हैं कि पहले बातचीत होती थी, कांग्रेस की सरकार थी, बातचीत होती थी, ठीक था, समस्याएं तब भी थी, लेकिन बातचीत के जो रास्ते थे, जो वार्ताएं होती थी, वो सब होती रहती थी सरकार के साथ और किसानों के बीच एक ट्यूनिंग थी। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद वो सब चीजें बंद हो गई और आपकी सरकार आने से समस्या जो है वो किसानों की और ज्यादा बढ़ गई, ऐसा कहना है साहब का? देखिए पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी, माननीय राजनाथ सिंह हो या और कई किसान परिवार से जुड़े किसानों का हित है, ये केवल वो सिर्फ कागज में या भाषण में होने की बात नहीं करते नहीं, इनकी देखिए केसी जैन साहब, अगर आपने राजनाथ सिंह जी का जिक्र किया है तो एक चीज और समझिए कि जब राजनाथ सिंह जी पहले किसान आंदोलन में जाकर शिरकत करते थे, वहां जाते थे, तो इस बार भी चले जाते। जी जी, इस बार भी किसान आंदोलन के बीच में राजनाथ सिंह जी को जाना चाहिए था। और बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जाता है जब बात आती है। केसी जैन साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आपकी आवाज का जो मामला है वो दरअसल हल होने का नाम नहीं ले रहा। चलिए कोई नहीं, इस पर भी काम करेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल साहब, आवाज मिल रही है हमारी आपको? राजनाथ जी तो आ जाते बीच में, लेकिन स्थिति क्या है देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वे स्तंभ लोग, और मुरली मनोहर जोशी हो, अडवाणी जी हो, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे किया, उनकी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। अच्छा, बीजेपी से समस्या नहीं है दरअसल, समस्या जो है बीजेपी से समस्या नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है दरअसल वो अहंकारी है, वो नहीं काम कर रही है। चाहे किसी को भी आप लोग पूर्ण अधिकार दे के भेज दीजिए वार्ता में, मेरा मानना है दो ही वार्ता में समाधान हो जाएगा, ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। जी से अनिल मलिक साहब, ठीक है, वार्ता अगर सफल नहीं हुई, वार्ता सफल नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर ये तो गुंडागर्दी हो जाएगी ना, जो 27 नवंबर को आप करने जा रहे हैं। किसान अपनी ताकत कहाँ दिखाएगा? वो अपने गांव में दिखाएगा। जब ताकत दिखाएंगे, आप किस पर ताकत दिखा रहे हैं? आप आम जनता पर ताकत दिखा रहे हैं? आम जनता पर ताकत दिखाएंगे? आम जनता के साथ ही करेंगे आप? जहाँ उद्योगपति बाबा ने, आप बॉर्डर अगर बंद कर देंगे तो एक बच्चा स्कूल पढ़ने कैसे जाएगा? आप अगर बॉर्डर बंद कर देंगे तो एक गरीब आदमी नौकरी के लिए जो गाजियाबाद नोएडा जाता है वो कैसे जाएगा? जिसका व्यवसाय नोएडा गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है वो कैसे जाएगा? जो बॉर्डर के आसपास दुकानें हैं वो सब ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कैसे होगा? आपकी लड़ाई सरकार से, आप आम जनता को इस पर क्यों पनिश कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर पे बैठ के किसान दिल्ली के जो मल मूत्र है दिल्ली का, जो दिल्ली का कूड़ा आता है उस पे किसान बैठा है, परेशान है, आम आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो ऐसे तंबू भी देखे जहां पर एसी लगा हुआ है, तंबू ऐसे भी देखे गए जहां पर एसी लगा है, तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने कूड़े का ढेर नहीं देखा? किसान एसी नहीं लगा सकता? किसान कमजोर मान, किसान आप ही कह रहे हैं कि हम मलमूत्र और जहां पर दिल्ली का पूरा कचरा आता है वहां रहते हैं, तो आप, मैंने कहा कि आप तो वहां भी रहते जाए, एसी है, ठीक है, बढ़िया है, इसमें समस्या क्या है? किसान ने अपनी सुविधा के लिए एसी लगा लिया, पंखा लगा लिया, तो इस देश में गुनाह कर दिया गया। अरे एसी पंखा लगा कहां पर लिया? एसी पंखा बीच सड़क, बीच चौराहे पर लगा लिया? बीच चौराहे पर एसी पंखा लगा के बैठ जाएंगे क्या? आप इस चीज को समझिए। लीला मैदान में जाने दीजिए, वोट क्लब पे जाने दीजिए, जाने तो दे सरकार। सरकार अगर जाने देगी तभी तो वहां पे लगेगा। जहां रोक रखा है वहां वहां पूरे एक साल में जहां गर्मी भी हुई, सर्दी भी हुई, बरसात भी हुई, किसान खुले आसमान के नीचे लेटा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को सोचना होगा, किसान के बच्चे भी अब शिक्षित हो गए, इंटरनेट भी किसान के बेटे जानने लगे, वो कानून भी जानने लगे, जो संविधान करने का काम स्वामीनाथ जी करना चाह रही। स्वामीनाथ जी, दरअसल ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मुद्दे का राजनीतिकरण करके और किसानों के सहारे अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाह रही है, इसलिए वो तमाम जो चीज है, किसान कुछ भी
किसान नेता कुछ भी कहें, राकेश टिकैत साहब कुछ भी कहें, उसमें आप हमेशा समर्थन वाली स्टेज पर दिखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि दरवाजों को रोकना, बैरिकेड्स लगाना, रोकना, बंद करना, बाधित करना, चोक करना, ये सब गलत है? खुलकर बोल सकते हैं आपकी गलत है? नहीं नहीं, गलत तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये करने पर मजबूर कौन कर रहा है? नहीं, आप कितना भी मजबूर करिए, एक चीज समझिए, समस्या ही समाधान का कारण क्यों हो रहा है? अगर समस्या न रहे तो आवाज क्यों उठाते? आज 11 महीना से ऊपर अगर किसान विधित तरीके से नहीं हो, व्यथित है, परेशान है, अपना घर, किसान, खेती गृहस्थी छोड़ के आप बोल रहे हैं ना बॉर्डर पे एसी लगा के चाहे यहाँ पर पड़े हैं। अरे भाई, किसान हमारा देश का समृद्ध किसान अन्नदाता। वो मैंने उस बात पे कहा, उन्होंने कहा कि कचरे के ढेर पर हम रहते हैं, उस बात नहीं, वो बात बोले ठीक है, लेकिन हमारा मजबूत भारत का किसान है, 80% आबादी है, और किसान के वोट से ही सत्ता का परिवर्तन होता है, और किसान परिवर्तन ना, उसी किसान का बेटा हमारे देश का सुरक्षा करता है, जो सेना का जवान बन के करता है, हमारा प्रहरी होता है, वो कहाँ भूल जाते हैं? जवान और किसान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक देश का रक्षा करता है, एक पेट का रक्षा करता है। तो हमको पीड़ा इसलिए है कि किसान के साथ, अगर किसान के 3 काले कानून से अगर ये समस्या हल हो सकता है, तो हट क्यों सरकार करके बैठी है? इसको हटा क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं MSP लागू कर देती है? ये समस्या क्यों पूंजीपतियों, जवाब दीजिए कैसी जैन साहब, से लोगों के साथ ऐसा समझौता हो गया कि किसान को मार दिया जाए? 700 किसान मरने के बाद एक बार पार्लियामेंट से लेकर रोड तक एक भाजपा का नेता, एक घड़ियाली वासी, तो गुलाम नबी आजाद जी के लिए घड़ियाली आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में गिरा सकते हैं, हर चीज के लिए, नोटबंदी से लेकर GST और गरीबी, इतना डीजल पेट्रोल और आए दिन गैस का भाव बढ़ा के अति गरीबी पिछड़े को और मारने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये भाजपा और मोदी सरकार में किया जा रहा है। ये व्यापारियों के तरह जिस तरह बेचा जा रहा है देश को, संपदा बेचा जा रहा है, और देश को जिस तरह खोखला वादा करके 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरी, सत्ता तो पा गए, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए किसान, चाहे गरीब, मजदूर, व्यापारी नहीं सत्ता में बैठा है। आप यूरिया के लिए लग के लाइन में, किसान मर जाता है, किसान पे गाड़ी चढ़ाया जाता है, और वही सीना चांद के दूरबीन लगा के देखते हैं अमित शाह कि वो कोई अपराधी तो दिखने, तो क्या किसान अपराधी है जिससे गाड़ी से गृह राज्य मंत्री का लड़का रौंदता है, उसका इस्तीफा तक भाजपा नहीं लेती है? इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है? अमित शाह के साथ स्टेज पर खड़ा होकर सीना चौड़ा करके जो हंसता है, जिसका लखीमपुर खीरी में जिस तरह से घटना घटा, उस घटना पर लीपापोती करने के लिए जो सत्ता में बैठ के गृह राज्य मंत्री कर रहा है, वो सारा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। जिस तरह किसानों को आप मारने का षड्यंत्र कर रहे हो, मजदूर का 44 से 4 कानून, कोर्ट कानून ला दिए, हर लोग व्यथित है मोदी सरकार से। भाजपा सरकार नहीं है, मोदी और अमित शाह की सरकार है, जो दोहन की नीति लाकर जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए, जिस तरह किसानों को आज परेशान, आज किसान ऐसा शब्द क्यों बोलता, किसान को उस पीड़ा पे आप लाके इस चौकी पर खड़ा कर दिए कि आज वो उसको कोई चीज सूझ नहीं रहा है कि आखिर 700 हम आहुति दे दिए, 11 महीना हो गया, 11-12 दौर का मीटिंग हो गया, और प्रधानमंत्री कहते हैं एक टेलीफोन के दूरी पर बैठा हुआ है किसान, तो उस फोन का, प्रधानमंत्री का फोन का किसान इंतजार कर रहा है कि हमारे समस्या का निदान हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग 2 बार सत्ता में बैठा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या किसान से बढ़ के देश है? तो देश है, लेकिन किसान भी देश का एक बहुत बड़े हिस्सेदार, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी लड़ाई सभी देशवासियों को लड़नी चाहिए। ठीक है, कैसी जैन साहब, कैसी जैन साहब, आप सुने हैं, जवाब दीजिए जरा, खड़े हैं क्यों खड़े हैं? कैसी जैन साहब, सुना है आपने, जवाब दीजिए। ठीक है, वही समस्या बरकरार है। ये सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम सबसे चमत्कारी कार्यक्रम हो चुका है। आज विपक्ष की आवाज जो है वो लगातार लाउड स्पीकर की तरह मजबूत नजर आ रही है, वही जो सत्ता पक्ष की आवाज है वो लगातार दबी हुई है, लगातार फंस रही है, कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है छोटा सा। चलिए, इसको सही करवाने की लगातार हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, PCR जरा इसको देखिएगा, क्या समस्या आ रही है केसी जैन साहब की आवाज़ में, लगातार इसको चेक करवाइएगा जरा। ठीक है, KP सिंह हमारे साथ काफ़ी देर से आप देख रहे हैं, KP सिंह देख रहे हैं किस तरीके से जो भी चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन KP सिंह, अगर सरकार नहीं मानती इनके 3 कृषि कानून, तो फिर करें तो करें क्या? कहीं उसमें तो आप साथ में होंगे ना, कहीं सेंटीमेंट्स तो अटैच रहते हैं ना।
आप लोग साथ में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप के जो बड़े नेता हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स तो जुड़े होंगे ना किसानों के साथ। अपने एक मिनट में बात खत्म करूंगा। आई तो पर याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कांग्रेस को जैसे याद आ रही है वैसे ही मुझे ना बीजेपी से निवेदन है कि वो हमारी किसान आयोग की बात पर अमल करे, रही कानूनों की बात। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए, आप दोनों अलग अलग किसान संगठन हैं, आप किसान आयोग की मांग कर रहे हैं, वो कृषि कानूनों को हटाने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून लाने की मांग कर रहे हैं, एक आम किसान जो खेत में इस वक्त हल चला रहा है रात में, जो घर जाता है प्याज के साथ पराठा खाता है, रोटी खा रहा है चूल्हे में बनाकर, वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि कोई किसान संगठन अराजनीतिक तौर से, हाँ, भानु प्रताप सिंह जी जो चला रहे हैं वही वाला संगठन, हाँ, यस, ओके, सरकार के समक्ष रहे। मैं अभी कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला था, राजनाथ सिंह जी से मिला, सबसे यही कह रहा, आपसे बड़ा मिल लेते हैं, बीजेपी के मंत्री आपसे बड़ा मिलते हैं, ये राकेश टिकैत साहब से क्यों नहीं मिलते, इनके लोगों से क्यों नहीं मिलते, आपसे बड़ा इनका क्या है, आप सरकार वाले हैं कि नहीं सरकार वाले हैं, क्या है, चल क्या रहा है? अरे बोलने दो, समझौता, ये राजनीतिक बातें मुझे ना पसंद है, ना बीच में बोलना किसी की। अरे आप गैर राजनीतिक बातें करते करते कम से कम तीन बार तो बड़े मंत्रियों का नाम ले चुके हैं, तीन बार बड़े नाम दो, बार बार राजनाथ सिंह का नाम ले रहे हैं। हम सरकार जो सत्ता में सरकार, आप भारतीय किसान यूनियन भानु, नहीं इतना थोड़ा क्लियर करिए, देखिए इस चीज को क्लियर करिए, जनता कंफ्यूज हो रही है, आप दोनों ही किसान संगठन है लेकिन दोनों आप बातें अलग अलग कर रहे हैं। भाजपा के लोगों से भी, कांग्रेस के, कांग्रेस के भी है, सपा की सरकार से भी वार्ता होती थी, लेकिन आरोप नहीं लगते थे ठाकुर भानु प्रताप जी पे। अब क्या कारण होगा बॉर्डर से उठे, क्यों आरोप लगे? बात कंप्लीट होने दीजिए, बात यह है कि हम वार्ता क्यों कर रहे हैं, एक बात बताओ, सरकार से संवाद नहीं करेंगे तो क्या हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जाके बात करें हम? अरे सरकार से संवाद तो बारह बार किया कृषि, लेकिन सरकार संवाद करने पर कहाँ तैयार है भैया, बारह बार मीटिंग होने के बाद सरकार पिछौड़ा दिखा दी और सरकार कोई उसपे फोन के दूरी पर कहते हैं प्रधानमंत्री, उंगली रखकर उठों पे और सरकार कृषि मंत्री जी के सामने बैठे हो आप, और उधर किसान खेतों में परेशान हो रहा है, उसका डीएपी नहीं मिल रहा, उसके नहर में पानी नहीं आ रहा, उसका उसके लिए क्यों नहीं आप खाली भाजपा के नेता से मिलते हैं, क्यों ना यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लगते उसका झाग जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? आप लोग पूछते क्यों नहीं हो? आप सरकार के नजदीक जाते हो, भाजपा के नेताओं से मिलते हो, किसान आंदोलन नहीं किए थे, उनकी अगर मर्यादा नहीं होती थी, वो देश के किसान मसीहा बने तो किसान आंदोलन को उनको मैनेज किया, इस तरह की राजनीतिक मंशा को जो दर्शक है हमारे दरअसल वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप दोनों किसान संगठन है लेकिन आप अलग अलग कैसे हैं, ये अनिल जी थोड़ा समझाइएगा, उनकी मुलाकात होती है सरकार के लोगों से, सरकार के बड़े मंत्रियों से, आपकी मुलाकात नहीं होती, आप खुलकर उनके विरोध में बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं सम्मान करना चाहिए, तो आप में से जो किसान है दरअसल जो जमीन पर काम कर रहा है, आप में से किस, आप संगठनों में अलग अलग क्या है, क्या अलग अलग दिखता है? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी क्यों सरकार से मिल रहे, क्योंकि एक मान मंदिर बरसाना के नेतृत्व में बाबा रमेश जी महाराज के उसमें एक यात्रा आई थी मथुरा से दिल्ली, उस समय रविशंकर प्रसाद जी और भाजपा के लोगों से बात हुई थी यमुना बचाओ आंदोलन की, वो यमुना आज तक साफ नहीं हुई। मुझे तो इस बात पे ही शंका है, माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी सर जब पहली वार्ता नहीं हुई, वो मंच पे आके जंतर मंतर पे रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की थी, कई मंत्री उसमें थे जब वार्ता हुई थी, जब एक वादा सरकार ने पूरा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की, तो अगली क्या उम्मीद करे? दूसरी बात, अकेले क्यों मिल रहे पूरे संगठन?
और भी किसान संगठन है, कुछ ऐसे संगठन है जो इन संयुक्त मोर्चे से संतुष्ट नहीं है, इनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, तो कम से कम वे सरदार बीएम सिंह है और छोटे मोटे संगठन है उन्हें लेकर सब लोगों से मिले, निश्चित रूप से कोई ना कोई साथ समाधान में निकलवा दें। और राकेश टिकैत जी अकेले सरकार से मिलने वाले नहीं है, ये आंदोलन किसान संयुक्त मोर्चे का है जिसमें लगभग एक फैसले तो सारे लमसम लगभग सारे फैसले तो राकेश टिकैत साहब ही लेते हुए दिखते हैं। जो भी आदेश होता है वो संयुक्त मोर्चा का आदेश होता है, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद आदेश होता है, जब ही राकेश टिकैत जी राकेश टिकैत साहब उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट लास्ट कमेंट लेंगे, समय की कमी के कारण यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो केपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए। ऐसा है भानु सिंह प्रताप सिंह जी, राकेश टिकैत जी के साथ रहा मैं 3-4 साल, भानु प्रताप जी के साथ हूँ, उन जैसा ईमानदार किसान नेता और अनुभवी किसान। आपने दल क्यों बदल लिया? पहले राकेश टिकैत के साथ थे, अब भानु प्रताप सिंह जी के साथ हैं, दल क्यों बदल लिया? दल बदलने का कारण यही होता है कि नीतियों से सहमत न होना, और इस तरह की मैं टीवी चैनलों पर बैठ के मैं किसी के संगठन में नहीं हूँ तो आरोप प्रत्यारोपों पर। आपको 3-4 साल लग गए नीतियां समझने में, आपको 3-4 साल का समय लग गया नीतियां समझने में। ठीक है, क्या नीतियां गलत थी? ये तो सवाल ही वो है, एक बात बताइए क्या एक दिन में जाके हर किसी को समझ जाओगे? ठीक है, अभी आप कितना समझ चुके हैं, अभी भानु प्रताप सिंह जी को कितना समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, अभी कितना साल लगेगा इनकी नीतियां समझने? भानु प्रताप सिंह जी को मुझे समझने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। नहीं नहीं, आपको कितना समय लगेगा पर्सनल लेवल? आज भी गाँव में मैं जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ थे तब से भानु प्रताप सिंह जी के बारे में जान रहा हूँ, और महेंद्र सिंह टिकैत जी के भी साथ थे किसान के लिए। आप महेंद्र सिंह टिकैत जी के भी साथ थे, आपकी उम्र क्या होगी? उम्र से लग नहीं रहा, लिहाज थोड़ा बैठ नहीं रहा सही। चलिए ठीक है, स्वामीनाथ जी तो आप सुन रहे थे, अनिल मलिक साहब भी हैं और दूसरी तरफ केपी सिंह साहब भी हैं, दोनों ही किसान संगठनों से आते हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन समस्या दरअसल यह है कि दोनों का जो नजरिया है वो अलग है। तो ऐसे में जो एक और किसान है, आप वो भी समझते होंगे स्वामीनाथ जी बिल्कुल अच्छे से, कि जिसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खेती कर रहा है और शाम को घर का खर्च चला रहा है, घर का खान पान देख रहा है, तो समस्या दरअसल कहाँ आ रही है, किस किसान की बात हो रही है? देखिए, किसान की बात तो जैसे राकेश टिकैत जी जो संयुक्त मोर्चा का प्रवक्ता है तो संयुक्त मोर्चा से जो मीटिंग होता है तो उसी का प्रवक्ता का काम होता है विचारधाराओं को सबके सामने रखना, तो उनका संयुक्त विचारधारा है। अच्छा। इसलिए वो सारे किसानों की बात करते हैं, और किसान के हित कहीं से होना चाहिए अगर सरकार के नजदीक आप हो, जैसे हमारे भानु प्रताप जी के टीम से भाई साहब है केपी सिंह जी, तो इनको इनके नेता से मेल जोल भाजपा का तो कम से कम समझौता करके ये हट जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का है इसको खत्म कराकर देश का वही किसान का नेता बन जाए। किसान का हित जो होता है, किसान का जो पीड़ा है, तीन की कृषि कानून जो आया है उस पीड़ा को खत्म कर दे, करा दे, और कम से कम इतना रोज इनका आना जाना और मिलना जुलना है तो ये इतना 11 महीना से ऊपर क्यों हो गया, ये पूरा देश जानना नहीं, चाहता है कि अगर केपी सिंह कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम करवाएंगे, हमारा संगठन करवाएगा, नहीं करवाएंगे, कब कराएंगे उसका डेट नहीं बताएंगे, करवाएंगे उसका डेट नहीं बताएंगे और ना उसका समय बताएंगे। 2021 क्या 21 तो खत्म होने वाला है, कौन सा 21 दोबारा 21 आएगा? सन 2021 क्या होगा? सन 2021 तक 21 तो खत्म के नजदीक आ रहा है। 21 में किसान आयोग का गठन होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की बात तय होगी। 2021 में 2 महीना बचा है, आप तो तारीख भी बता दीजिए। वही बोले तारीख बता दीजिए, 2 महीना तो बचा ही है सरकार। सरकार के प्रतिनिधि से भी एक भाजपा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, सरकार का प्रधानमंत्री मैं थोड़े ही हूँ, लेकिन बात करने का तरीका आना चाहिए और सरकार से संघर्ष करने के लिए तरीका नहीं है।
अगर पीड़ा पेट में है तो किसान नेताओं को उनको बात करने। चलिए ठीक है अनिल, ठीक है, चलिए ठीक है अनिल मलिक साहब, अनिल मलिक साहब, केपी सिंह, अनिल मलिक साहब, केपी सिंह दरअसल ये कह रहे थे कि सरकार से बातचीत तो होनी चाहिए, दरअसल वार्ता तो होनी चाहिए, तो वार्ता के रास्ते भी तो खुले हुए हैं, सरकार से अपने तरीके से बात की जानी चाहिए। हो चुका उसके बाद सरकार किसान पीछे चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, तीन मुंह तीन बातें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शानदार बहस में शामिल होने के लिए आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों दरअसल आज जो मुद्दा था वो ये था कि क्या 26 नवंबर तक सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी राकेश टिकैत साहब की बातों को मानने जा रही है, और अगर नहीं मानने जा रही है तो क्या 27 नवंबर को दिल्ली चौक होने जा रही है। सवाल बहुत लाजमी है और बहुत गंभीर है कि क्या 27 नवंबर को देश भर के गांव गांव चप्पे चप्पे गली नुक्कड़ कस्बे से निकले किसान क्या दिल्ली के तमाम दरवाजों पर अपना ताला जड़ने जा रहे हैं? क्या दिल्ली के लोगों के लिए आफत आने वाली है? क्या एक नया खतरा दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक देने वाला है? एक बड़ा और गंभीर सवाल है, इस पर चर्चा की सत्यमेव जयते कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।